क्राइम की दुनिया का सिस्टम होता है जिस व्यक्ति का मर्डर करना है उसके नज़दीकियों को क्रिमिनल सबसे पहले अपने करीब लाता है जी हाँ उनके करीबियों को अपना दोस्त बना के साजिश रचते हैं तभी वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है यही हुआ सिद्धू मूसे वाले के साथ जी हाँ छः दिन बाद वह खुलासा हुआ जिस खुलासे ने जाँच एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए हैं तो चलिए आज हम आपको वह फोटोज दिखाने वाले हैं जो कैमरा में कैद है सिद्धू मूसे वाले पे इनके एकदम करीबी शामिल था ये बात एकदम दावे के साथ कहा जा रहा है चलिए सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं जिस दिन मूसे वाले अपनी मौसी से मिलने जा रहे थे उसी दिन रास्ते में उनका मर्डर किया गया था लेकिन सवाल यहाँ पे यह है जब मूसे वाले के पास पिस्टल थी उन्होंने अपनी पिस्टल से दुश्मनों को क्यों नहीं मारा क्या वो एक अपने दुश्मनों को नहीं मार सकते थे ये सवाल का जवाब आप दो तीन सेकेंड के अंदर जान जाएंगे जी हाँ पिस्टल में महज दो गोलियाँ थी दो गोलियाँ मूसे वाले ने चलाई थी लेकिन उस पिस्टल में नौ गोलियाँ लेकिन उस पिस्टल में नौ गोलियाँ नहीं थी उस टाइम इन सवाल यहाँ ये उठता है आखिर सात किसने निकाली कोई दुश्मन उनके घर पहले नहीं गया था कोई दूसरा व्यक्ति उनके घर में नहीं गया था यानी कि उनके करीबियों ने इनके पिस्टल से गोलियां निकाली ये इंजाम लगाए जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों उनके पिस्टल में हमेशा नौ गोलियां भरी रहती थी महज दो गोलियां गोलियाँ वाले ने फायर की थी लेकिन दुश्मनों के आगे उनके ऑटोमेटिक गन के आगे ये कुछ नहीं कर पाए और इन्हें उन्नीस गोलियां मारी गई जिससे स्थल पे ही इनकी मौत हो गई तो दोस्तों इस पूरे मामले में पिस्टल वाली बात ने पूरी तरीके से मंडला दिया है और जांच एजेंसियों इस एंगल के मामले में तलाश कर रही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके गुनागार को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए